Hello everyone and welcome back to my channel. Today I have something exciting to discuss and give a review on. Well, this is an amazing serum from Minimalist named as Minimalist 0.6% Retinol Serum with mid-strength formula for fine lines and wrinkles. Before diving into the serum review, do not forget to hit that subscribe button for more upcoming skincare content. Minimalist Retinol Serum ke do products hain, ek 0.3% retinol serum aur ek 0.6% retinol. Well, maine 0.3% retinol pe already apna review de chuka hai. In this video hum 0.6% retinol serum ke bare mein discuss karenge aur uske review ke bare mein janenge. Without wasting much time, let's get started. This serum from Minimalist is specially designed for the ones who wants to get rid of fine lines, wrinkles or anti-aging. Well, मैंने जो Minimalist का 0.3 retinol serum पे जो review दिया था वो उनके लिए है जो just beginners हैं या फिर जो अपने late 20s में हैं and they have just started using the retinol serum. तो वो उनके लिए because 0.3% retinol concentration उसमें use की गई है but इस serum में it is 0.6 so comparatively इसमें थोड़ा ज़्यादा retinol serum की concentration है और ये serum मैं उनके लिए recommend करूंगी जो ऑलरेडी रेटिनॉल सीरम को यूज करते हैं उनके लिए ये सीरम बहुत ही अमेजिंग है इसके बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट्स हैं एंड आल्सो इट इज रिजल्ट ओरिएंटेड आप इसको अगर प्रॉपरली और कंसिस्टेंटली यूज करोगे सो यू विल फाइंड आउट द डिफरेंस इन योर स्किन एंड इट विल हेल्प यू रिड्यूस दैट फाइन लाइन रिंकल्स एंड एंटी एजिंग इट इज वेरी जेंटल ऑन स्किन इसको अप्लाई करने के बाद बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगा कि आपने कुछ भी एक हैवी प्रोडक्ट कैरी किया आपके फेस पे ये बहुत ही जेंटल है विथ दैट इट विल हेल्प योर कॉम्प्लेक्शन टू गेट स्मूदर सिर्फ ये फाइनलाइंस या रिंकल्स को टैकल ही नहीं करेगा उसके साथ आपकी स्किन को भी स्मूथ कॉम्प्लेक्शन देगा सो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इट्स अ लाइट वेट सीरम एंड इट इज अ वाटर फ्री सीरम कभी भी रेटिनॉल्स जो होते हैं वो वाटर बेस्ड सीरम नहीं होते हैं इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं जैसे कि स्क्वालिन एंड मोर लाइक दैट वाटर फ्री सीरम होते हुए भी ये बहुत ही लाइट वेट है इजिली आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है एंड इट विल गिव यू दैट अमेजिंग रिजल्ट जो आप एक्सपेक्ट करते हो हर रेटिनॉल सीरम से मिनिमलिस्ट एज अ ब्रांड हैज अमेजिंग स्किन केयर प्रोडक्ट सो इसलिए मैंने पहले मिनिमलिस्ट का 0.3% रेटिनॉल सीरम यूज करना स्टार्ट किया था जब इवेंचुअली नाउ आई हैव मूव्ड ऑन टू दिस 0.6% वाला रेटिनॉल सीरम फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द इंग्रेडिएंट्स व्हिच आर यूज्ड बिकॉज हमें हमेशा पता होना चाहिए हम जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट अपने स्किन के लिए यूज करें कि उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं और फिर उन इंग्रेडिएंट्स को देखते हुए यू विल फिगर आउट कि आपकी स्किन टाइप क्या है क्या आपकी स्किन को सूट करता है और क्या नहीं वेल इसमें रेटिनॉल तो यूज किया ही गया है विच इज बेस्ट फॉर फाइटिंग फाइन लाइन्स रिंकल्स एंटी एजिंग के लिए सबसे बेस्ट रेटिनॉल सीरम विद दैट दे हैव यूज्ड रोज हिप ऑयल ये हेल्प करता है स्किन को ब्राइटन करने में एंड इट विल रिमूव द ब्लैक हेड्स एज वेल सो ये रोज हिप ऑयल के बहुत सारे अमेजिंग बेनिफिट्स होते हैं ये स्किन के पोर्स को भी टाइट करता है विद दैट इट विल गिव यू दैट स्मूदर कॉम्प्लेक्शन वेल इस रेटिनॉल सीरम में जैसे कि रोज हिप ऑयल भी यूज किया ये दोनों इन्ग्रीडियंट्स कलेक्टिवली बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देते हैं स्किन को This serum truly makes a difference. You will feel that your skin is improving, your skin texture is improving, आपके जो fine line या wrinkles हैं वो भी सारे diminish हो रहे हैं. Your skin will feel and look younger. When and how to use this retinol serum? A little serum goes a long way. आपको बहुत ज़्यादा amount में इसको apply नहीं करना होता retinol serum को. You just have to take a small amount of the retinol serum and you have to apply it on your cleansed face. Properly cleanse करके अपने face को उसके बाद आप ये small amount में retinol serum लेंगे और इसको properly मसाज करते हुए आपकी स्किन में अप्लाई करोगे एंड यू शुड रिमेंबर कि ये हमेशा आपको अपने नाइट टाइम रूटीन में इंक्लूड करना है रेटिनॉल सीरम तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा और जब आप इसको अपनी नाइट टाइम रूटीन में इंक्लूड कर लोगे ये कभी भी आप डे टाइम अप्लाई नहीं करोगे और जब भी आप रेटिनॉल सीरम यूज़ करते हैं जैसे कि हम ये नाइट टाइम में यूज़ करेंगे रेटिनॉल सीरम को बट नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको सनस्क्रीन वेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप रेटिनॉल सीरम स्टार्ट कर दोगे यूज़ करना और जब आप उसको इंक्लूड करने लग जाओगे अपने डेली स्किन केयर रूटीन में सो यू हैव टू कैरी सनस्क्रीन एवरी डे नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको सनस्क्रीन वेयर करना ही है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैं इस रेटिनॉल सीरम को डेली नहीं अप्लाई करती हूँ मैं इसको यूजुअली थ्राइस अ वीक अप्लाई करती हूँ अगर आप ये रेटिनॉल सीरम को इंक्लूड करना चाहते हो अपने डेली स्किन केयर रूटीन में सो आप इसको वंस और ट्वाइस अ वीक ही लगाइए फिर इवेंचुअली अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये प्रॉपरली आपके स्किन में सेटल हो रहा है आपकी स्किन टाइप को सूट कर रहा है तब जाके आप इसका यूसेज को इंक्रीज कर सकते हो या फिर आप उसको 3 या 4 टाइम्स इन अ वीक भी यूज़ कर सकते हो डेली रेटिनॉल सीरम अप्लाई करना नेसेसरी नहीं है आप अपनी स्किन कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स या 4 टाइम्स अ वीक यूज़ कर सकते हो
बट मेक श्योर कि नेक्स्ट डे आप सनस्क्रीन अप्लाई करो. इट इज अ वेरी इफेक्टिव सीरम फॉर द वंस हु जस्ट वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ फाइन लाइन्स, रिंकल्स, एंटी एजिंग है. ये बहुत ही इफेक्टिव है. अगर आप इसको प्रॉपरली यूज कर लो, कंसिस्टेंटली अगर आप इसको यूज करोगे तो इसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे आपके स्किन को. 25+ के बाद तो रेटिनॉल सीरम्स आपको अप्लाई करना स्टार्ट कर ही देना चाहिए, ताकि आगे चल के आपकी स्किन में एजिंग ना हो या फाइन लाइन रिंकल्स इतनी जल्दी आपके स्किन पे ना आए. हियर आई कंक्लूड माई review video of minimalist 0.6% retinol serum. Thanks for joining me. I hope you like this video. Do not forget to like and subscribe to my channel for more skincare insights. Until then, stay beautiful, stay happy.